पर लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में 73वें राष्ट्रीय पर्व की जहां नगर से लेकर गांव तक खासी धूम रही तो वहीं हर तरफ आजादी के जश्न की धूम थी। तो वहीं कुछ जिम्मेदार लोग इस राष्ट्रीय पर्व एवं राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने पर जैसे अमादा थे। नगर के शाहजहांपुर रोड स्थित एक नेताजी के लाल पेट्रोल पंप पर मेनकच के ऊपर लगे पाइप पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बजाय ऐसे ही डाल दिया गया। पंप के मालिक मैनेजर से लेकर तमाम कर्मचारियों ने राष्ट्रीय ध्वज लगे डंडा को सीधा करना भी गंवारा नहीं समझा और उसका घोर अपमान किया। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय ध्वज के इस अपमान की जानकारी यहां के प्रशासन एवं जिम्मेदारों को नहीं है। पूरी जानकारी के उपरांत भी वो आंखें मूंद कर आखिरकार क्यों सो रहे थे। दूसरी घटना नगर के पुवाई रोड स्थित मियां पहुंच तिराहे पर स्थित इसके पब्लिक स्कूल की, जहां पर स्कूल में 3 अध्यापिकाएं व अन्य स्टाफ मौजूद था। प्रिंसिपल नदारद थे लेकिन उनका फरमान था कि झंडा वही फहराएंगे। 10:45 हो गए लेकिन झंडा फहराने का सरकारी समय भी गुजर गया। झंडा पाइप में बंधा रहा और अपने फहराने का इंतजार करता रहा। उन्हें 11 बजे जब जानकारी होने पर कुछ पत्रकार स्कूल पहुंचे तो वहां पर मौजूद अध्यापिकाओं ने अपने प्रिंसिपल का फरमान बताया कि पत्रकारों ने प्रबंधक से फोन कर जानकारी ली तो इस गलती को मानने के बजाय सीधे मुंह बात नहीं की। तब इसकी सूचना कोतवाल को दी गई। कोतवाल संजय त्यागी स्कूल पहुंचे। उन्होंने प्रबंधक साबिर खां को बुलाया और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय पर्व का महत्व बताकर स्वयं ध्वजारोहण किया। स्वयं राष्ट्रीय गीत गाया। वापस चलते चलते श्री त्यागी साबिर खां से कह गए कि सूरज ढलते ही झंडे को उतरवा लेना। हर धर्मी तो तब हो गई जब कोतवाल की सख्त हिदायत के उपरांत भी झंडा नहीं उतरवाया गया, लेकिन रात के 9 बजे तक झंडा फहरा देखकर उन्हीं पत्रकारों ने पुलिस को सूचना दी। 9 बजे रात को सिटी इंचार्ज कपिन कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उसी समय प्रबंधक साबिर खां को मौके पर बुलाकर एक बार फिर से राष्ट्रीय ध्वज के महत्व एवं उसके अपमान करने पर क्या होगा उसका पाठ पढ़ाया। तब उन्होंने बच्चे के डायरिया हो जाने पर शाहजहांपुर ले जाने की बात कही। इस पर सिटी इंचार्ज ने कहा कि कोई भी ये जिम्मेदारी निभा सकता था। इस पर वह चुप्पी साध गए। कस्बा इंचार्ज ने उतनी रात में झंडा उतरवाया। इन पत्रकारों को कुछ कथित पत्रकारों ने बेच लिया, जिसकी जानकारी होने पर 3 पत्रकारों ने संयुक्त रूप से कोतवाली में मुकदमा दर्ज किए जाने की तहरीर दी। पुलिस ने प्रबंधक को कोतवाली बुलवा लिया था और उन्होंने माफीनामा दिया है। इन दोनों स्थानों पर हुए राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर प्रशासन एवं पुलिस दोनों चुप्पी साधे हुए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मुजीब अहमद सिद्दीकी के साथ रफीक खान की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। नरपत जालौन के तेज तर्रार SP सतीश कुमार के कड़े तेवर से बौखलाया पुलिस प्रशासन, तो वहीं पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी बनी हुई है। SP के कड़े तेवर से बौखलाई जनपद जालौन की पुलिस, जिसके चलते SP के कड़े तेवर से जनपद की पुलिस की नींद खुल गई है। वहां आज अचानक तेज तर्रार SP सतीश कुमार ने कोतवाली कलियावा थाना कोच का औचक निरीक्षण किया और अधीनस्थों की क्लास लगाई। SP ने औचक में, आपको बता दें कि जनपद जालौन में जगह जगह थाने में लंबित पड़ी विवेचनाओं को संज्ञान में लेते हुए SP ने निरीक्षण किया, जिसके दौरान आज के लिए थाने में लंबित पड़ी मान से अधिक विवेचनाओं पर भड़के हुए बड़के पुलिस कप्तान और कहा कि और पूरे पुलिस बल को जमकर फटकार लगाई, साथ ही साथ जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। सर, कैलिया और कोच में पुलिस कर्मियों की आपके द्वारा समीक्षा बैठक ली गई, क्या दिशा निर्देश दिए और क्या खामियां पाई? थाना कैलिया में वहाँ की विवेचना जो विवेचनाधीन है उन विवेचनाओं का त्वरित निस्तारण के लिए कहा गया और थाने के रजिस्टर का रखरखाव देखा गया। रजिस्टर के अंदर भी कई कमियां पाई गई, उन्हें निर्देशित किया गया है कि पूरे रजिस्टर की कमियों को पूरा करें। इसके अलावा थाने में जो पुरानी बिल्डिंग है उनको भी कंडम कराने का जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए कहा गया। थाने की चार दीवारी जो है उसको बनाने के लिए, उसका प्रस्ताव बनाने के लिए भी कहा गया। इसके अलावा थाने में और जो नए आवास या बैरक की ज़रूरत है उसको भी कैलिया थाने में बनाने के लिए कहा गया। वहाँ 2 महिला कांस्टेबल हैं, उनसे भी बात की मैंने और उनके आवास के बारे में और उनकी ड्यूटियों के बारे में पूछा, उनकी कुशलता मेरे द्वारा ली गई। इसके अलावा मैं थाना कोच में आया जहाँ पे मेरे द्वारा इनका OR लिया गया, जिसके अंतर्गत इनके जो विवेचनाधीन मुकदमे हैं उनके बारे में निर्देशित किया गया और पुराने कुछ मुकदमे हैं जिनका 1 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया है, ऐसे 2 मुकदमे निकले जिनमें मैंने इन्हें बताया है कि इन्हें तुरंत निस्तारित किया जाए। उसमें कुछ विधि विज्ञान प्रयोगशाला डॉक्यूमेंट जाने हैं और वहाँ से उनकी रिपोर्ट आनी है, जिस कारण से इतना समय लग रहा है, जल्दी उनका निस्तारण किया जाएगा। उसके अलावा थाने के जो अभिलेख हैं उनमें से कुछ अभिलेख मेरे द्वारा मंगाए गए और उसमें कमियां पाने के बाद मैंने निर्देशित किया है कि उन्हें पूरा करके मेरे ऑफिस में भेजेंगे और मैं स्वयं इनका निस्तारण करूँगा। थाने का भी भ्रमण किया गया और इसमें थाने में जो और सुझाव अच्छा बेहतर किया जा सकता है उसके प्रस्ताव भी हम भेजेंगे और थाने को और बेहतर बनाया जाएगा। यहाँ सोप पिट का भी हमने इनॉग्रेशन किया था DM साहब के साथ मिलकर, थाना संपूर्ण समाधान दिवस पे,
उसके भी बारे में मैंने जानकारी ली। सर पूंछ नगर में सर एंटी रोमियो कमज़ोर नज़र आ रही है, कहीं दिख नहीं, इसके बारे में क्या निर्देशित किया गया? इसमें भी एंटी रोमियो टीम से मेरी वार्ता करनी है और उनको पूछना है कि उन्होंने क्या कमियां हैं उनके अंतर्गत, और हम लोग ये चाहेंगे कि स्कूल से निकलते समय और स्कूल जाते समय किसी भी बच्ची को, किसी भी लड़की को शोधे ना छेड़ें, और अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ़ मुकदमा लिखा जाए, 294, 354, 151 की कार्रवाई की जाए और उन लोगों का चलान किया जाए, और एक सख्त संदेश दिया जाए कि किसी भी बच्ची को स्कूल आते आते समय कोई भी परेशान करेगा तो उस पुलिस उनके साथ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन। जिला गोंडा के ब्लॉक परसपुर के ग्राम पोस्ट खरगू चांदपुर में 4 सालों से बन रही सड़क आज तक नहीं कंप्लीट हो पाई है, इसके चलते यातायात बाधित है, जनता में एक तरह का आक्रोश छाया हुआ है। गोंडा डेरा संपर्क मार्ग से चांदपुर से लिंक रोड निकालकर काशीपुर, बिनपुरवार, खरगूपुर होते हुए गोझा के आगे से मीरपुरवा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य चालू किया गया था। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि सड़क पर पत्थर पड़े दिखाई दे रहे हैं, दोनों साइडों में मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, दोनों तरफ काफी गड्ढे गहरे भी दिखाई दे रहे हैं। इन रास्तों से गुजरने के लिए स्थानीय लोगों को पैदल व गाड़ी से चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ भैया बताएं, हम इस समय किस गांव में खड़े हैं, आप बताएं भैया। गोजहा। आपका शुभ नाम क्या है? रामूरत। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आप? 4 साल हो गया है सड़क बनी है, अब आज तक इतनी परेशानी है कि रोड़ा ला के जमीन गिरा दिया है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, कभी आपने कंप्लेंट किया कहीं पे, किसी से बताया आपने? नहीं, अभी तो नहीं बताया। अच्छा, कितना दिन से बन रहा है सड़क? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया, 4 साल से ऐसे ही पड़ा है। ये रोड़ा ला के आते हैं, एक ट्रक पथरा गिरा देते हैं, उसके बाद गायब हो जाता है। हाँ, जबकि अब ये बता रहे हैं भाई लोग कि उधर से 2 रोड गोंडा से जुड़ी हुई है और इसमें से एक भी रास्ता अगर ये सही कर दें तो यातायात। तीनों रास्ता बिल्कुल यही कार्रवाई है। जी, चलिए ठीक है भैया, आप अपना शुभ नाम बताएं। राजा राम दुबे। अच्छा, चलो ठीक है भैया, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस रोड के बारे में? अरे इस रोड में यह है कि नो अब आफत आए, तूफान आवे, कोनो रात बिरात जरूरत पड़े तो पर गाड़ी घोड़ा चले के जरूर है नहीं है जी, पैदल चले नहीं जाते, गाड़ी घोड़ा का साधन नहीं है, ना मिल पावे गाड़ी, कोई लेके जाए तो राजी नहीं है जी। तब ये बताओ 2-3 साल से इसे पड़ा है, अलावत पत्थर के ऊपर पथरा गिरा दे, अगल बगल गड्ढा खोद दिन, नान नान लड़के हैं, परेशानी होती जी, या कहीं कोनो कार्रवाई होती कि नहीं होती, तो ना हुए तो पथरा हर हर बहाई दिन जाए, छुट्टी हुए, रास्ता तो साफ हुए। जी, सही कह रहे हैं आप। आऊ का ठीक है भैया, हम आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे और ये आपका जो शंका है समाधान होगा इसका, इसके लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। अब बताओ कटाह घाट से है या कि हर जुड़ा है, 2 रोड है, दोनों महन पथरा डायक बैठी गया है, कोनो वर से साधन ना है कि कोनो आफत आवे जो कोनो साधन सवारी मिले। जी, तो अगर कम कोशिश करें चाहें तो करें, ना तो अपन पथरा उथरा या हर बार उठवा ले जाए यहाँ से, दिन सब काम खत्म करें। चलो ठीक है भैया, हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ये आवाज़ आपकी हम आगे तक पहुँचाएँगे और ये आपका काम जरूर होगा। ठीक है भैया। भैया बताएं, हम इस समय किस गांव में खड़े हैं? बेनपुरवा। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम कुलवंत सिंह है। अच्छा, तो ये क्या कहना चाहते हैं सड़क के बारे में? सड़क के बारे में सर हम ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्द सुरक्षा हो, अपना सही से कार्रवाई करें, यहाँ इतना दिन हो गया जी, कभी तक सुनवाई नहीं हुई है जी, आगे कार्रवाई करवाएं, तो हम लोग मिलकर कह रहे हैं कि सड़क जल्दी से जल्दी हो जाए। अरे रोड़े रोड़े पत्ते हैं, कैसे जाएंगे यहाँ ट्रैक्टर गाड़ियाँ है, सही कह रहे हैं, पैदल पथ कैसे? हाँ, सब बहुत बड़ा दिक्कत, यातायात में बहुत बड़ा दिक्कत जी, हो रहा है। जी। हाँ भैया जी, आप अपना शुभ नाम बताएं। लाल बहादुर तिवारी। जी हाँ तिवारी जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं, आज करीबन 2 साल हो गया जी, 2 साल से ये रोड खराब है जी जी, ठीक जी। अच्छा, इसे पैदल चलने वाले उनका भी हाथ पैर टूटे। हाँ सही कह रहे हैं जी, साइकिल चलने वाले वो नहीं चल पाते हैं जी, छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ गिर पड़ते हैं जी जी, हैं सही है, तो इसका सुधार होना चाहिए जल्दी से जल्दी जी, जल्दी होगा।
भैया जी अपना शुभ नाम बताएं। चमना से प्रसाद सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? और हम गांव बैनपुरा रहने वाला हूं जी। ये सड़क सुधारा जाए, बनाया जाए जी। बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत है हमारे लोगों को, बच्चों के लिए, सबके लिए। जी हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है भैया जी, अपना शुभ नाम बताएं। धर्म प्रसाद तिवारी जी। हाँ तिवारी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बैनपुरा का जी। जी हाँ, तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे यह है कि 2 साल से सड़क ऐसा रोड़ा पत्थर पड़ा है जी, जो चला था गिर पड़ा था रात बिरात, तो उसका दवाई क्या करे, सरकार करे कि ठेकेदार करे है? जी सही कह रहे हैं, कोई नहीं करेगा, अपना स्वयं झेलना पड़ेगा। सड़क का सुधार की जाए जी। भैया ठीक है, भैया जी अपना शुभ नाम बताएं। जमुना प्रसाद मिश्रा जी। मिश्रा जी बताएं। टपरानपुरा निवासी जी। सर जी, ऐसा है कि ये सड़क 3-4 साल से जो बन रही है जी, काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है जी, ना के बराबर है। 4 साल से बन रही है? 4 साल से बन रही है जी। काम बिल्कुल ना के बराबर है जी। रात में अभी 15 दिन पहले मैं चांदपुर दवा लेने गया था जी, वहाँ पे जो है मेरी बाइक के टेयर और ट्यूब फट गए दोनों। रात में वही छोड़ के आया हूँ उसको जी, सुबह जाके बनवाया हूँ, रात में 3 किलोमीटर पैदल आया वहाँ से जी। इसलिए इसका जो है जो भी ठेकेदार है जी, उनको तुरंत निर्देश दिया जाए जी, इस सड़क को जल्दी से जल्दी दुरुस्ती करें और इसको बनाएं जी। मिश्रा जी, हम ये आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। हाँ बिल्कुल पहुँचाइए जी। और नरेंद्र मोदी योगी जी के पास जी, सबके पास ये आवाज़ जल्दी से जल्दी पहुँचेगी, जरूर पहुँचेगी। बहुत अच्छा है जी। हाँ ये दिक्कत तो है ही है जी। भैया जी अपना शुभ नाम बताएंगे। संदूक तिवारी जी। हाँ ये सड़क के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सड़क की बहुत बड़ी दुर्दशा है, हमको 8 साल हो गया, एक गाड़ी हमारी खत्म हो गई चलते चलते इस रोड पर जी जी। ये जब से मैं देखा हूँ आज तक बनी नहीं रोड जी जी, अब तक काम तो चल रहा है जी, कब बनेगी कब बनेगी। हाँ अब हम तो ये रास्ता नहीं जा रहे हैं फिलहाल जी, एकदम परेशान हो गए, हम जा रहे हैं उधर से। चलिए ठीक है, हम आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे और ये काम जरूर होगा। 8 साल से मैं गोंडा में ड्यूटी करता हूँ जी, मेरी एक बाइक खत्म हो गई इस गाड़ी की। जी हाँ सही कह रहे हैं, वैसे रोड़ा पड़ा है तो रात में कई बार हम गिरे भी हैं इस रोड पे। जी हाँ जरूर, इस रोड़े के चक्कर में पता नहीं कौन बना रहा है। ठीक है, कब बनेगी कुछ पता ही ठीक। TV1 इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन दीनानाथ सैनी के साथ सुनील सैनी की रिपोर्ट, गोंडा उत्तर प्रदेश। जालौन के तेज तर्रार SP सतीश कुमार ने कोच में कजलिया के महोत्सव को लेकर हर साल की तरह इस बार भी अखिल भारतीय स्त्री कुश्ती दंगल को लेकर फीता काट कर शुभारम्भ किया। हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन की कजलिया के महोत्सव को लेकर इस साल भी अखिल भारतीय महास्त्री दंगल कुश्ती आयोजित का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जगह जगह जनपदों में जाने माने पहलवानों ने अपने जोड़ों के साथ मिलकर कुश्ती का शुभारम्भ किया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन। जालौन के तेज तर्रार SP सतीश कुमार के आदेश के अनुसार आए दिन रोज की तरह चलाया जा रहा धरपकड़ एवं रोकथाम अभियान, जिसके चलते कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या और हत्या जैसे मामले एवं लुटेरों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते आज जालौन पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। जनपद जालौन के क्षेत्र शिक्षा कलार जालौन पुलिस और सर्विलांस टीम ने बड़ी मशक्कत करने के बाद आज सफलता हाथ लगी। इस वक्त बाबा की भेष में घूम रहा था एक शातिर अपराधी, जिस पर 15,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। जालौन के तेज तर्रार SP सतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सिरसा कलार में एक मुकदमा अज्ञात पंजीकृत कराया गया था, जिसमें वादी व ऑटो व कुछ नगद रुपए की लूट की गई थी, जिसमें 3 अभियुक्त कमल कुमार पुत्र नरेश ज्योति, कांति पत्नी कमल कुमार, नारायण दास जोशी पुत्र कन्हैया लाल आदि लोग प्रकाश में आए। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह, निरीक्षक शैलन सिंह, महेश दुबे, वीरेंद्र सिंह, सुमित प्रताप, विपिन कुमार आदि लोग मौजूद। ये नारायण दास जोशी है जो थाना सिरसा कलार के रहने वाले हैं। ये 2017 में एक लूट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था 30 मार्च को, जिसमें 3 लोगों ने, इसमें जब अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ तो उसमें छानबीन में 3 लोगों का नाम आया, इसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, कमल कुमार और कांति जो कमल कुमार की पत्नी है। और उसके बाद नारायण दास जोशी जो है ये वांछित चल रहे थे, इन पर 15,000 का इनाम किया गया और उसके बाद इनकी हम तलाश में लगे थे और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इनके जो आपराधिक इतिहास रहा, इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये बाबा बनकर दिल्ली में, नागपुर में, हरियाणा में और हरिद्वार में कई जगह पर रहे और वहाँ पर ये सब जगह प्रवचन देते थे। और पुलिस ने फिर इनको सिरसा कलार से गिरफ्तार किया और मैं अपनी टीम को इनका गिरफ्तार करने के लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ, उन्हें 10,000 रुपये का इनाम भी देता हूँ। सर कितना आपराधिक इतिहास है इसका और
मतलब कितने घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार किया? इसमें 1998 का एक मुकदमा भी था इनके ऊपर डकैती का, जिसमें ये बरी हो चुके हैं। और हमारी पुलिस ने अपने चेकिंग के दौरान इनको मदारीपुर तिराहे सिरसाकला रोड पे, जो कुमाऊं थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ पे टेम्पो स्टैंड से 15 तारीख के आसपास, 15 तारीख को शाम को 4:45 बजे के आसपास गिरफ्तार किया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन। बुंदेलखंड में SP के कड़े तेवर से पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ, जिसको लेकर जनपद जालौन पुलिस ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते जालौन पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। आपको बता दें कि सिरसाकलार पुलिस ने भटके हुए युवक को उसके परिजनों को मिलाकर बड़ा ही अच्छा काम किया है। युवक रास्ता भटक जाने की वजह से अपने परिजनों से दूर हो गया था, जिसको लेकर घर के परिजनों के दिल और दिमाग में का परेशानी का सबब बना हुआ था, जिसको लेकर आज पुलिस ने युवक के परिजनों को मिलाकर एक सफलता अपने नाम। सूरज शनाख जो है जी, राम जन्म निवासी नियामताबाद जनपद चंदौली जी, ये 4 जून को अपने घर से लापता हो गया था जी, रास्ता भटक गया जी, और ये कल हमको मिला जी। मिलने के बाद इसके घर वालों को सबको से संपर्क करने का प्रयास किया गया, टूटी भाषा में बोल रहा था, सही बात नहीं बता पा रहा लड़का ये सर। उनके ग्राम प्रधान से संपर्क किया गया, थाने से संपर्क किया मैंने, थाना इनका अली नगर जनपद चंदौली है, वहाँ के SHO से बात करके इनको खबर पहुँचवाई गई और ये लोग आज उपस्थित आए, इनके माता पिता दोनों लोग। TV1 इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में अपराजय योद्धा अलाउद्दीन के अप्रीतम शौर्य का प्रतीक कजली महोत्सव लगातार 836 वर्षों से जीवंत बना हुआ। नारी सम्मान की खातिर दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान को धूल चटाने के बाद पावन पर्व रक्षाबंधन मनाकर ऐतिहासिक जल सरोवर कीरत सागर में भुजरिया विसर्जन कर विजय उत्सव के रूप में कजली मेले का आयोजन होता आ रहा है। इस मेले में उमड़ने वाली लाखों लोगों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि बुंदेलखंड के जनपद महोबा में आयोजित होने वाली कजली महोत्सव एक ऐतिहासिक परंपराओं का प्रतीक है। मोहम्मद संरक्षण एवं विकास समिति व नगर पालिका परिषद द्वारा आवंटित रूप से इस मेले का आयोजन गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया। आज जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी एवं पुलिस अधीक्षक स्वामीनाथ एवं सदर विधायक राकेश गोस्वामी, भाजपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर एवं गणमान्य लोगों की मौजूदगी के बीच शहर के हवेली दरवाजे में भव्य शोभा यात्रा का शुभारम्भ करते हुए कजली महोत्सव औपचारिक शुरुआत की गयी। शोभा यात्रा को भव्य रूप देने आयोजनकर्ताओं ने हाथी घोड़ा ऊँटों के साथ चंदेल राजाओं से जुड़ी आकर्षक झांकियों का प्रबंध भी किया। इसके अलावा शहर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा जन संदेश देते हुए भी इतिहास के झरोखों को कांकते पात्रों का आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण देते हुए निकाली जा रही शोभा यात्रा में 4 चांद लगा दी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड। प्रदेश के छतरपुर में नगर परिषद चंद्रा में बड़ी हर्षोल्लास के साथ 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि चंद्रा नगर परिषद के नवागत CMO अंतराम पाठक जी के उत्कृष्ट कार्य के लिए जिले में सम्मान भी हुआ। नगर परिषद अध्यक्षता ने मोबाइल कॉम्प्लेक्स नगर परिषद को भेंट किया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए भूमित्र सोनी की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदरसा यादगार मोहम्मद हुसैनी व HM कॉन्वेंट में बच्चों की प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के बाद मदरसा यादगार मोहम्मद हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में फरीदुद्दीन और पप्पू चेयरमैन के द्वारा झंडा फहराया गया। स्कूल में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील जनाब जुन्नू रैन साहब के द्वारा शांति का प्रतीक कहे जाने वाले अनेक कबूतरों को आजाद किया गया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड। फतेहपुर की बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर रोड स्थित अभय प्रताप डिग्री कॉलेज के सामने परचून की भरी पिकअप पेड़ से जा टकराई। ड्राइवर अमित कुमार पुत्र शिव मंगल निवासी नौबस्ता कानपुर व खलासी सनी यादव पुत्र विजय यादव निवासी नौबस्ता कानपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आवाज से ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने बड़ी सूझबूझ के साथ पिकअप ड्राइवर व खलासी को वहां से निकाला। TV1 इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर।